हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य। चलिए दोस्तों, जो आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है अल्कोहल। तो देखिए, आज हम लोग अल्कोहल को एकदम बेस से पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे अल्कोहल। ठीक है ना, अल्कोहल क्या है? ठीक है ना, अल्कोहल क्या है? तो ये जो होता है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल। देखिए सबसे पहले तो हम जानेंगे अल्कोहल आखिरकार ये होता क्या है। क्या अल्कोहल? अल्कोहल ठीक है ना, ठीक। देखिए मैंने जैसे आप लोगों को पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि कोई भी चैप्टर है ना, कोई भी चैप्टर शुरुआत करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में, हम लोग आखिरकार पढ़ क्या रहे हैं ना, और इसका हम लोग क्या उपयोग है या हम इसको किस प्रकार पढ़ सकते हैं कि हम लोग माइंड में सेट हो जाए, हमको रटना ना पड़े, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो एल्कोहल है, तो ये एल्केनों का, अब तो एल्केन तो आप जानते ही होंगे। ठीक है ना, आप लोगों ने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये एल्केन और एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं, अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख लिया होगा तो ये आप लोगों को काफ़ी क्लियर होने वाला है, क्योंकि जो आधी रिएक्शन है वो मैंने पहले वाले वीडियो से ही रिलेट करके बताई है इसमें। ठीक है ना, तो देखिए जो ये एल्केन होता है, तो एल्केन के हाइड्रोक्सी उत्पन्न होते हैं क्या? एल्कोहल मीन्स इसका जो इसमें एच होता है ठीक है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं, और प्लस क्या कर देते हैं, ओ एच ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा CH3OH। ओके, देखिए यहाँ से एच हमने हटाया, ठीक है ना, निगेटिव साइन लगाया ना, इसका मतलब हमने एच को रिमूव किया है और ओ एच को ऐड किया है। देखिए जैसे रिमूव करेंगे तो यहाँ पर CH3 बचेगा और हम ओ एच उसमें ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार हमारे क्या बन जाएंगे, अल्कोहल बन जाएंगे। ठीक है ना, अगर यहीं पर हम C2H5 कर देंगे तो भी हमारा ये देखिए मेथिल अल्कोहल है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा C2H5OH। तो देखिए इस प्रकार हम लोग अल्कोहल को साधारणतया बनाते हैं। ठीक है ना, कि एल्केनों के हाइड्रोक्सी उत्पन्न क्या कहलाते हैं, अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग जानेंगे अल्कोहल बनाने की या अल्कोहल के विरचन की विधियाँ। तो देखिए आप लोगों को इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, या आप बोल सकते हैं जो पहले जो काफ़ी आता था, वो आप लोगों के अब 30% से रिड्यूस हो चुका है। ठीक है ना, तो अब कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस देखिए हम लोगों को पहले जाननी है अल्कोहल बनाने की विधियाँ। ठीक है ना, अल्कोहल बनाने की विधियाँ, फिर हमको सेकंड में जाननी है इसके रासायनिक गुण, है ना, क्या रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक है ना, रासायनिक गुण जानने हैं। फिर जो थर्ड है उसमें हम लोगों को समझना है इसके पहचानने की, कि ये जैसे फर्स्ट है कि सेकंड, मतलब अल्कोहल क्या होता है। देखो अल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। तो उनको पहचानने की, जो तृतीय है, जो तृतीय हमको चरण में पढ़ना है, वो हमको पढ़ना है फर्स्ट डिग्री कॉमा टू सेकेंड डिग्री कॉमा थर्ड डिग्री को पहचानने की विधि, है ना। ये आता है ना कि सिद्ध कीजिए कि, या कैसे आप बताएंगे कि ये फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री का अल्कोहल है। और फोर्थ में हमको जानना है कि लुकास अभिकर्मक क्या है, लुकास अभिकर्मक क्या है। ठीक है ना, लुकास अभिकर्मक, ये जो लुकास अभिकर्मक होता है, तो इससे हमको जैसे कोई भी अल्कोहल आपको दे दिया जाए, ठीक है ना, आप कैसे जानेंगे कि ये प्राथमिक अल्कोहल है कि द्वितीयक अल्कोहल है कि तृतीयक अल्कोहल है। ये जो लुकास अभिकर्मक होता है, ये ZnCl2+HCl मीन्स जिंक क्लोराइड प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक क्या होता है, घोल होता है या मिश्रण होता है। ठीक है ना, इसकी जब क्रिया हम अल्कोहल से कराते हैं, तो अगर ये क्रिया जो होती है, तो हमको पहले बात तो जब हम क्रिया कराएंगे तो हमको सफ़ेद, है ना, सफ़ेद अवलेता एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, और क्या होता है कि जब हम इनकी क्रिया कराते हैं तो हमको जो निर्देश दिए जाते हैं, मतलब जो हमको ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं, उसमें क्या होता है कि अगर अगर अल्कोहल लुकास अभिकर्मक से, ठीक है ना, तुरंत क्रिया कर जाए तो उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री अल्कोहल।
5 मिनट बात करे क्रिया तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल, एंड क्रिया ना करे, ठीक है ना, क्या करे, क्रिया ना ही करे तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। तो देखिए जो अल्कोहल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, मीन्स प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल एंड तृतीय अल्कोहल। देखिए इस प्रकार आप इनको थोड़ा विभेद कर सकते हैं कि जो अल्कोहल होते हैं, अगर देखिए एक कार्बन से कोई अल्कोहल गिरा है, ठीक है ना, जैसे CH3OH है, CH3OH, तो ये जो अल्कोहल समूह है, अल्कोहलिक समूह है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना। अगर ये दो दो जगह से गिरा होता, CH3OH एंड CH3OH, तो ये क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखिए अगर ये जो अल्कोहल है, अगर देखिए इसको हम अल्कोहलों में भेद 2 प्रकार से कर सकते हैं कि ये प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है, या मोनोहाइड्रिक है कि डाईहाइड्रिक है कि ट्राईहाइड्रिक है। तो देखिए जैसे नाम से ही क्लियर है, मोनोहाइड्रिक मीन्स कोई भी कार्बन होगा उससे कितना, मोनो, मोनो का अर्थ होता है एक, ठीक है ना, तो उससे जो अल्कोहलिक ग्रुप होगा तो एक अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है ना, किससे, जो एल्किल ग्रुप होगा आपका उससे एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होगा, ठीक है ना। और अगर हम यही बोल दें कि डबल हम हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दें, ठीक है ना, अल्कोहलिक ग्रुप डबल जोड़ दें, तो देखिए ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल था, ठीक है ना, वैसे तो ये कौन सा, मेथिल अल्कोहल है, लेकिन अगर हम यही वैसे बोलें, ठीक है ना, अगर वैल्यू ना पुट करें तो ये क्या क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए दो दो OH समूह है ना, तो हम पहले देख रहे हैं OH समूह के कारण, OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर, ठीक है ना। तो देखिए अगर OH ग्रुप एक है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, हिंदी जी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर इसी में दो हाइड्रोक्सिल समूह है तो ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल, क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर इसी में तीन जुड़ जाए तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर इसी में तीन से ज़्यादा जुड़ जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए, तीन से ज़्यादा जुड़ जाए तो उसको फिर बोलते हैं, इसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक, और अगर इसी में तीन से ज़्यादा जुड़ जाए तो फिर उसको हम बोलेंगे क्या, पॉलीहाइड्रिक, क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक। इस प्रकार हम लोग किसमें, OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं, ठीक है ना, OH समूह की संख्या के आधार पर। अब हम लोग समझेंगे कार्बन की संख्या के आधार पर किसके, अल्कोहल के प्रकार, ठीक है ना, अल्कोहलों के प्रकार। तो देखिए अब हम लोग कार्बन की संख्या के आधार पर देखेंगे, देखिए कार्बन की संख्या के आधार पर किसके, कार्बन की संख्या के आधार पर, ठीक है ना। चलिए देखिए देखिए कार्बन की संख्या के आधार पर, तो हम लोग देखते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर। देखिए अगर ये CH3OH है, क्या है, CH3OH है, तो ये मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना, क्या है, मेथिल अल्कोहल, लेकिन आप इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। यही अगर CH3OH और CH3 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय अल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वितीय अल्कोहल। और यही अगर CH3 और CH3 यहाँ पर भी हो जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए, यहाँ पर भी CH3 हो जाए, ठीक, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। मीन्स देखिए अगर एक कार्बन है, एक कार्बन से जो OH समूह है, एक कार्बन से जुड़ा, एक दिशा से जुड़ा, एक दिशा से घिरा है, फर्स्ट डिग्री, ठीक है ना, अगर दो दिशाओं से घिरा है तो सेकंड, यानी 2 डिग्री, और तीनों दिशाओं से घिरा है तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री, ठीक है ना। तो दोस्तों क्लियर है ना, ठीक है ना,
चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके आगे जो हम लोग समझ रहे थे। हाँ, ये अब हम लोग बनाने की विधियाँ समझते हैं, ठीक है ना। सो सिंपल है, आप लोग बस ध्यान से समझिए, सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एल्कोहल के बनाने की विधियाँ समझते हैं। देखिए सिंपल है, कुछ नहीं। आप लोगों को मैंने एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर यानी हेलो एल्केन में बताया था कि अगर RX की क्रिया, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, एल्केन प्लस हैलाइड, किससे करा दें, NaOH से करा दें, किससे, NaOH से, तो क्या बन जाता है हमारा। देखिए यहाँ से एक NaX निकल जाता है, ठीक है ना, NaX निकल जाता है तो बनेगा क्या हमारा, देखिए ROH आप लोगों को सिंपल सिंपल दिख रहा है ना, क्या बन जाएगा हमारा ROH प्लस का NaX, ठीक, क्या बन जाएगा ROH प्लस का NaX, ठीक। अब लोग ये फर्स्ट रिएक्शन थी अल्कोहल बनाने की। अब हम लोग दूसरी समझेंगे अल्कोहल बनाने की दूसरी रिएक्शन। देखिए अगर हम RX की क्रिया, किसकी, एल्किल हैलाइड की क्रिया, नम सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O प्लस का H2O, देखिए नम ये सिल्वर ऑक्साइड है, इस नम का अर्थ है जल, है ना, जलयुक्त सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है ना। RX की क्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड से करा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए ROH प्लस का 2AgX, ओके ना, 2AgX, इधर हम लोग दो को गुणा करा देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, 2ROH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए दो आर इधर हैं, दो आर इधर हैं, दो एक्स इधर हैं, दो एक्स इधर हैं, दो ए जी इधर हैं, दो ए जी इधर हैं, दो हाइड्रोजन इधर हैं, दो हाइड्रोजन इधर हैं, ऑक्सीजन एक है, दो हैं और दो हैं उधर भी, ओके क्लियर। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग सर्वप्रथम जान रहे हैं कि हम लोग एल्कोहल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हैं इससे हम लोग जान रहे हैं एल्कोहल को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। पहले तो हम बनाएंगे एल्कोहल, फिर उससे हम कुछ करेंगे, ठीक है ना, उससे कुछ करेंगे, पहले तो हमको बनाना है ना उसे। तो देखिए जो हमारा एल्किल हैलाइड है उसकी क्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से कराएं तो NaX निकल जाता है और हमारा एल्कोहल बन जाता है, ठीक। फिर जो हमारा RX है अगर इसकी क्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड से कराएं तो हमारा एल्कोहल प्लस का 2AgX बन जाता है। अब हमारी जो तीसरी रिएक्शन है उसमें क्या करें, हम कोई भी एमीन ले लें, क्या ले लें, एमीन ले लें, कोई भी प्राथमिक एमीन, ये है प्राथमिक एमीन ले लें, उसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से करा दें, HNO2, ये क्या है, नाइट्रस अम्ल है, क्या है, नाइट्रस अम्ल है। किसी भी एमीन यानी प्राथमिक एमीन के क्रिया नाइट्रस अम्ल से करा दें तो हमारा क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है, क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है, ठीक है ना। देखिए हमारा बन जाता है एल्कोहल प्लस का, क्या बन जाएगा इससे, देखिए N2 निकाल सकते हैं हम इससे, प्लस का H2O, या आप बोल सकते हैं 2H2O, ओके ना, क्लियर। देखिए कोई भी हम प्राथमिक एमीन ले लें उसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा दें तो देखिए ROH निकल गया, N2 ये आ गया, H2O, क्लियर ना, ये एक H2 ये और ऑक्सीजन यानी दो दूनी चार, कितने, चार हाइड्रोजन इधर है, दो दूनी चार हाइड्रोजन और एक ये पांच, ये आप रहने दीजिए, देखिए दो को गुणा ना कराइए, देखिए दो एक तीन, दो एक तीन, ठीक है ना, क्लियर है ना, और दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन। चलिए हम लोग फोर्थ है, जो फोर्थ रिएक्शन है जो वो है, अगर हम ईथर का क्या करें, ईथर का जल अपघटन कर दें, ईथर का जल अपघटन कर दें तो भी हमारा एल्कोहल बन जाता है, क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है, लेकिन कितने पार्ट्स बनते हैं, टू पार्ट्स बनते हैं, ठीक है ना, टू पार्ट्स ऑफ एल्कोहल बन जाते हैं, क्लियर। देखिए अगर हम ईथर का जल अपघटन कर दें तो हमारा एल्कोहल बन जाता है लेकिन टू पार्ट्स बनते हैं। अब जो देखिए पांचवी रिएक्शन है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी इसमें होता क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड HCH डबल बॉन्ड O की क्रिया किससे कराते हैं हम लोग, RMGX यानी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से, RMGX, या आप X की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर R की भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, देखिए मैं पुट करके ही बता दूँ, CH3I, ठीक है ना, तो हमारा बनता क्या है, तो हमारा बन जाता है HCHOMGI और यहाँ पर CH3,
ठीक। अब देखिए, अब हम लोगों को इसका जल अपघटन करना होता है। क्या करना होता है? जल अपघटन, क्या करना होता है? जल अपघटन करना होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसका हम जल अपघटन कर देंगे। किसका? इसका। तो देखिए, ये तो सेम रहेगा, HC H, है ना। यहाँ पर भी CH3 रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा OH। क्या हो जाएगा? OH+ MgOH आई, ठीक है ना। मैं आई लिया था, ठीक है ना। तो ये बनता है उत्पाद, क्लियर। देखिए, हम लोग समझ रहे थे एल्कोहल के निर्माण की विधियाँ। क्या समझ रहे थे? एल्कोहल के निर्माण की विधियाँ, मीन्स हम लोग एल्कोहल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बनाएंगे तभी तो हम उससे कुछ रिएक्शन करा के दूसरी चीज़ बना पाएंगे। तो हमने समझा कि अगर हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्स से कराएं तो हमको एल्कोहल प्लस सोडियम, यानी फिर से हमको सोडियम एल्केल हैराइड एक प्रकार का मिल जाता है। और जब हम RX क्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो हमको एल्कोहल प्लस 2HEX मिल जाता है। कोई भी प्राथमिक एमीन हो उसके लिए जब नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो एल्कोहल प्लस N2+H2O मिल जाता है। ईथर के जल अपघटन से भी हमको एल्कोहल मिलते हैं, और किग्नाट अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराने पर भी हमको एल्कोहल प्राप्त होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम लोगों ने 6 विधियाँ, कितनी? 5 विधियाँ, ठीक ना। तो आप लोगों को इस चैप्टर में केवल 5 विधियाँ एल्कोहल के बनाने की पड़ेंगी। हम लोग समझेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, समझे? क्या समझेंगे अब हम इसको, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। इसकी एल्कोहल की, देखिए हमने एल्कोहल बना लिया है, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। देखिए, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं किसकी? ROH, किसकी? ROH की, ठीक है ना। ROH की रासायनिक अभिक्रिया, मीन्स एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो चलिए देखिए, अगर हम क्या करें, अगर क्या करें, देखिए, जैसे कि हमको एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है तो हम सबसे पहले एल्कोहल ले लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ठीक। अब देखिए, ये जो हमारा एल्कोहल है ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, एक हाइड्रोजन समूह के कारण और एक पूरा हाइड्रोक्सिल समूह के कारण, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन समूह के कारण और एक पूरी हाइड्रोजन समूह हाइड्रोक्सिल समूह के कारण ये दो प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एक ओ एक जो हाइड्रोजन है, मीन्स जब ये एक ऐसे स्थिति जब वर्किंग करेगा तो केवल इसका हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन परमाणु है, यही अभिक्रिया में भाग लेगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें ये OH समूह ही अभिक्रिया में क्या लेगा? भाग लेगा। तो इस प्रकार यह दो प्रकार की अभिक्रियाएँ प्रदर्शित करता है। तो चलिए, पहले हम लोग हाइड्रोजन समूह के कारण उत्पन्न अभिक्रियाएँ पढ़ते हैं। किसके कारण? हाइड्रोजन समूह के कारण, ठीक है ना। तो देखिए, हाइड्रोजन समूह के कारण उत्पन्न अभिक्रियाएं, ठीक है ना, RO H के कारण, ठीक है ना। RO H के, देखिए दिख नहीं रहा वो सही से, RO H के H परमाणु के कारण, किसके? H परमाणु के कारण, इसके कारण जितनी अभिक्रियाएं हैं वो हैं। तो इसमें फर्स्ट अभिक्रिया है किससे? देखिए, फर्स्ट अभिक्रिया होगी आपकी धातु से, कोई भी धातु, उसकी क्रिया आप कराओगे तो इसका हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापन, एक की प्रकार की अभिक्रिया, क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और वो धातु जाकर जुड़ जाएगी। देखिए कैसे होगा, ये ROH है, मैंने यहाँ पर सोडियम ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से H हटाऊंगा, इसको जोड़ दूंगा RONA, कोई दिक्कत? अब प्लस का H निकला है। देखिए, H थोड़ा वैसा लगता है ना, मैं H ऑनली है, ठीक है ना। ठीक ना, इसको हम गैस बना देंगे। क्या बना देंगे? गैस बना देंगे। इसके लिए हम इसमें 2 का गुणा और इसमें भी 2 का गुणा करा देते हैं, ठीक। तुम्हारे यहाँ पर H2 प्राप्त हो जाता है और गैस अवचेप के रूप में निकल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर RONA, देखिए 2R इधर है, 2O, ठीक है ना, 2O और 2NA, ठीक है ना। तो ये बन जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बन जाता है? सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है ना। क्या बन जाता है? सोडियम एल्कोक्साइड। अगर यहाँ पर हम वैल्यू कुछ पुट कर दें, वैल्यू पुट कर दें,
यदि CH3 पुट कर दें यहाँ पर तो सोडियम मेथॉक्साइड क्या बन जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड। C2H5 पुट कर दें तो सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, अब देखिए जो दूसरी अभिक्रिया हमारी होगी वो होगी अम्ल के कारण, ठीक ना, दूसरी होगी जो अम्ल से अभिक्रिया होगी किसकी, हाइड्रोजन परमाणु की। तो देखिए हमने अम्ल ले लिया RCOOH, ठीक है, क्या अम्ल है। अब हम लोगों ने एल्कोहल ले लिया मीन्स HOR, देखिए हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो यहाँ से क्या होता है, एस्टर बनता है, क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो अब बताइए क्या हो सकता है, यहाँ से OH समूह निकल जाता है, ठीक, क्या होता है OH समूह निकल जाता है और क्या प्राप्त होता है हमको, RCOOR प्लस का H2O, क्या प्राप्त हो जाता है, H2O प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार हम रिएक्शन करता है एल्कोहल से, ठीक। अब जो हमारी तीसरी प्रक्रिया है वो है अम्ल हैलाइड से, मतलब RCOX से प्लस का HOR। देखिए ये भी सिंपल है, यहाँ से HX निकलेगा। देखिए अम्ल और अम्ल हैलाइड, अम्ल और अम्ल हैलाइड, ये दोनों एक ही प्रकार, एक मतलब सेम सेम रिएक्शन एकदम करते हैं, ठीक है ना। जो उत्पाद बनता है वो एस्टर ही बनता है, RCOOR, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बन जाता है HX प्लस का HX, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं जो चौथी विधि है वो क्या है, वो है अगर हम ROH की क्रिया किससे करा दें, गिग्रेनार्ड अभिकर्मक से करा दें, चलो करा दो RMGX, ठीक है ना, एल्कोहल की क्रिया किससे करा दें, गिग्रेनार्ड अभिकर्मक से। तो देखिए क्या होगा, एल्केन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ से R उठेगा, यहाँ से R उठेगा, ये बन जाएगा एल्केन प्लस का MgOHX, क्लियर। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़नी, चार रिएक्शन H परमाणु के कारण, मीन्स धातु H से रिलीज हो जाएगी, है ना, प्रतिस्थापित हो जाएगी, अम्ल कोई आ जाए तो भी हाइड्रोजन से विस्थापित हो जाएगा और अम्ल हैलाइड आ जाए तो भी, और गृगनाक अभिकर्म, ठीक है ना, इस प्रकार क्रिया करते हैं चार। तो इस प्रकार हमने अल्कोहल की चार रिएक्शन पढ़ ली, चार प्रकार के रासायनिक गुण पढ़ लिए। अब हम लोग OH समूह के कारण जो ये विशेषताएं प्रकट करता है वो समझेंगे, ठीक है ना, जो रासायनिक अभिक्रियाएं देता है वो समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इनको मैं रद्द कर दिए देता हूँ, देखिए OH समूह के कारण, है ना। तो देखिए ये जो OH समूह है ये इसके कारण जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये देता है, फर्स्ट PCl5 के साथ में, सेकंड PCl3 के साथ में, SOCl2 के साथ में और HX के साथ में। तो देखिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि यह दिख नहीं रहा है ना सही से, चलिए देखिए अब मैं ब्लैक स्केच से लिखता हूँ। देखिए यह क्या है कि यह दो प्रकार की अभिक्रियाएं देता है, ठीक ना, ये दो प्रकार के अभिक्रिया देता है, एक तो एच ग्रुप के कारण जो कि हम लोगों ने पढ़ ली है, अब हम लोग समझना है OH समूह के कारण जो अभिक्रियाएँ प्रदर्शित करता है। तो हमने बताया कि PCl5 से रिएक्शन प्रदर्शित करता है, PCl से प्रदर्शित करता है, HX से प्रदर्शित और SOCl2। सबसे पहले हम लोग समझेंगे PCl5 से, देखिए PCl5 सो सिंपल, यहाँ से OH, चूँकि हम लोगों ने बताया था कि OH समूह प्रतिस्थापित हो जाएगा जिससे हम क्रिया कराएंगे, ठीक है ना, जिस प्रकार उसमें हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता था जिससे हम क्रिया कराते थे, उसी प्रकार इसमें OH विस्थापित हो जाएगा जिससे हम क्रिया कराएंगे। तो क्या बन जाएगा RCl, ठीक है ना, प्लस का POCl3 प्लस का और क्या बन जाएगा 3HCl। देखिए मैच करा लीजिए, एक आर इधर है, इसमें बस तीन का गुणा करा दीजिए आप, देखिए तीन आर इधर हैं, एक आर इधर है, क्या है एक आर इधर है, जबकि हमें चाहिए कितनी, तीन आर, ओके। और अगर हम क्लोरीन देखें तो तीन क्लोरीन ये है, तीन तीन POCl3
6, 1, 7, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करें, देखिए इससे जो बनेगा वो बनेगा आर सी एल प्लस का पी ओ सी एल थ्री, ठीक है ना, पी ओ सी एल थ्री प्लस का 3 HCl, ठीक है ना। तो इसमें हमने 3 का गुणा करा दिया और इसमें भी 3 का गुणा करा दिया, ठीक, या इसमें ना कराइए नहीं तो और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। 3R, तो अगर हम इसमें 3 का गुणा करा दें तो 3R से 3R प्राप्त हो गया, ये Cl5 है और यहाँ पर 3Cl तो ये है और 3Cl ये है और 3Cl ये है, मीन्स 9Cl है इधर, क्या है 9Cl है। तो चलिए एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, फिर देखते हैं आगे। ठीक है ना, इधर ना करा गुणा, देखो सिंपल सही से रहने दो। 1, 3, 2, 5, ठीक है ना, एक पी है, एक पी है मतलब फास्फोरस है, आर आर है, सो सिंपल। देखिए गुणा कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, है ना। आर ओ एच की पी सी एल फाइव से आप डायरेक्ट कराएंगे तो पी ओ सी एल थ्री प्लस का एच सी एल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारी पी सी एल फाइव के कारण थी, किसके कारण, पी सी एल फाइव के कारण। अब हम लोग समझेंगे पी सी एल थ्री के कारण, किसके कारण, पी सी एल थ्री के कारण, ठीक है ना, पी सी एल थ्री के कारण। देखिए आर ओ एच की पी सी एल थ्री से कराएंगे, किससे, पी सी एल थ्री से, तो यहाँ पर बनेगा क्या, आर सी एल, चूँकि ओ एच हटेगा और सी एल लग जाएगा, नहीं ना, आर सी एल प्लस का एच थ्री पी ओ थ्री, है ना। तो देखिए एच थ्री पी ओ थ्री है, इसलिए हम लोग इसमें 3 का गुणा करा दे रहे हैं, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया 3RCl, ठीक है ना, 3RCl, 3R इधर है, 3R इधर है, 3Cl इधर है, 3Cl इधर है, H3 इधर है, H3 इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है और पी एक है, सिंपल सर, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारी तीसरी रिएक्शन है, समझ में आ रही है ना। देखिए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, किसकी, एल्कोहल की। एल्कोहल सबसे पहले हमने बनाया, ठीक है ना, अब हम लोग उसकी रसायन कब किए, एक तो हाइड्रोजन के कारण थी, ठीक है ना, जो कि हमने आप लोगों को पहले बता दी, जिसमें था क्या था, अम्ल था, अम्ल का व्युत्पन्न था, है ना, अम्ल हैलाइड था जो कि, और आर एम जी एक्स भी था, ठीक है ना। अब हम लोग, और नाइट्रस अम्ल भी था, ठीक है ना, उस वो तो बनाने में था। और अब हम लोग समझ रहे हैं उसके रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आर ओ एच मीन्स एल्कोहल की पी सी एल फाइव से आप कराओगे तो आर सी एल मतलब जो ओ एच ग्रुप होगा, जो ओ एच ग्रुप होगा वो सी एल ग्रुप के द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इधर भी होगा ओ एच होगा जो सी एल के द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा। अब हमारी थर्ड रिएक्शन है जिसमें कि हमको पढ़ना है पी सी एल थ्री और एसओ सी एल टू, ठीक है ना, आर ओ एल एच एसओ सी एल टू से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, आर सी एल ओ एच हटेगा सी एल लगेगा, आर सी एल प्लस का एस ओ टू प्लस का क्या हो जाएगा एच टू। देखिए एस ओ टू एक एच बचा, ठीक है ना, आर सी एल दो का गुणा करा लो, दो का गुणा इधर करा दो, इधर चाहे ना कराओ, टू आर हाँ करा दो, टू आर टू आर टू सी एल टू टू सी एल टू यानी सी एल टू, ठीक है ना। अब हम लोग देंगे कि सल्फर एक है, ऑक्सीजन दो हैं, ठीक है ना, सल्फर एक है। अब हम लोग हाइड्रोजन समझते हैं, तो देखिए दो हाइड्रोजन ये हैं, इधर भी दो हाइड्रोजन है और दो तीन ऑक्सीजन है, तो दो एक तीन ऑक्सीजन, सो सिंपल, ठीक है ना। अब हम लोग फोर्थ समझ रहे हैं एल्कोहलों की, किससे, आर एम जी एक्स से, किससे, आर एम जी एक्स से क्रिया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्या बनेगा, एल्केन बनेगा प्लस का, यह देखिए यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर है एच एक्स, मीन्स आर ओ एच की क्रिया एच एक्स करा दें, यहाँ से एच टू ओ निकल जाएगा और हमारा बन क्या जाएगा, आर एक्स प्लस का एच टू ओ। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी अल्कोहल को बनाने, और अल्कोहल को बनाने के बाद में हम उसकी क्या कौन कौन सी रिएक्शंस कराते हैं ना, वो आज हमने ये रिएक्शन समझ लिए हैं दोस्तों।
अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो चाहिए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।